हाय एवरीवन, दिस इज मैक और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस इन पाइथन। कोडिंग की दुनिया में किसी भी दिए हुए काम को आसान बनाने के लिए फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है एंड दैट सेव्स यू फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रेपिटेटिव कोडिंग, मेकिंग योर प्रोग्राम स्लीक, क्लीन एंड एफिशिएंट। सो फंक्शंस इज लाइक मेकिंग वन टाइम एफर्ट एंड यूजिंग इट वेयरएवर व्हेनेवर यू वांट टू यूज इट इन योर प्रोग्राम्स। मैं आपको इस वीडियो में आपके लिए एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके भी दिखाऊंगा जहां हम पाइथन की सहायता से एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाएंगे एंड आई विल शो यू हाउ वी कैन यूज द सेम कैलकुलेटर मल्टीपल टाइम्स एट मल्टीपल प्लेस। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और बनाते हैं अपना एक सिंपल सा कैलकुलेटर यूजिंग फंक्शंस इन पाइथन। तो गाइस, मैं आ गया हूं अपने पाइचार्म में और मैं इसमें सिंपल सा एक कैलकुलेटर बनाऊंगा। सो सेल्सियस टू फारेनहाइट कन्वर्टर बनाता हूं, ठीक है। मैं क्या करूंगा कि मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा। सो आई विल राइट डेफ एंड फंक्शन का नाम रखता हूँ सी टू एफ, दैट इज सेल्सियस टू फारेनहाइट। और इट विल टेक ए पैरामीटर, क्या लेगा, एक पैरामीटर सी ले लेगा किस, क्योंकि सेल्सियस मुझे पास करना है इसमें, सो दैट इट कैन गिव मी फारेनहाइट। तो अभी मैं यहाँ पे सी को डिफाइन करूँगा। तो अगर सी मैं करूँगा यहाँ पे, तो मैं लिखूँगा सी इक्वल्स टू और मैं लिख दूँगा कि इंट ऑफ सी। सो बेसिकली इंटीजर शुड बी गिवन एज अ इनपुट, तो मैंने इंट में लिख दिया इसको, ठीक है। उसके बाद मैं अभी फारेनहाइट कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, तो उसमें होता है, मैं लिखता हूँ एफ इक्वल्स टू 9/5, सो 9/5 इंटू सी, जो भी है सी हमारा, ठीक है। और इसको मुझे ब्रैकेट में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लस 32, ओके। तो ये मेरा सिंपल सा एक फार्मूला मैंने इसमें बैठा दिया, जो कि मैं सी की वैल्यू लेते ही इसमें ये फारेनहाइट कैलकुलेट करेगा इस फार्मूले से, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये हो गया, उसके बाद मैं लिखूँगा प्रिंट और मैं एक एफ स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसमें मैं लिख दूँगा द वैल्यू ऑफ गिवन सेल्सियस इन टू फारेनहाइट, एफ ए आर एच एन इज, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा ये वाली वैल्यू एफ, ठीक है, फारेनहाइट होती है, एफ ए एच आर ई एन एच ई आई टी, ओके। नाउ अभी मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो मैं लिखूँगा सी टू एफ और मैं यहाँ पे पास करता हूँ लेट्स से 35 डिग्री सेल्सियस का क्या आंसर होता है। तो भी मैं यहाँ पे इस फंक्शन को रन करता हूँ एंड मेरा फारेनहाइट आ गया 95, ओके। इसको थोड़ा कोड को और सुंदर बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक स्माइली का इस्तेमाल कर सकता हूँ, एक ये दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने एक फंक्शन बना दिया, अभी आप देख लो, एक फंक्शन बना दिया, सिंपल सा एक फंक्शन बना दिया मैंने ये, और मैं अभी किसी भी के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। 35 है, लेट्स से मैं अभी कंट्रोल डी करके इसमें अलग अलग करता हूँ, 135 यहाँ पे, 235 और यहाँ पे लिख देता हूँ 28। अभी देखना मुझे कैसे आता है। अभी जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे को सारे वैल्यूज़ देती है, सेल्सियस इंटू फारेनहाइट, द गिवन वैल्यू सेल्सियस इंटू फारेनहाइट इज 275, 482, ओके। सो आप देख रहे हो कितना आसान हो गया मेरे लिए काम। एक बार मैंने एक फंक्शन बनाया और इसी फंक्शन को मैं इंपोर्ट करके कहीं भी कोड में अगर मेरे को यूज़ करना है तो मैं अपने यूज़ कर सकता हूँ। दैट इज़ हाउ द फंक्शन प्लेज अ रोल इन योर कोड। सो इट बेसिकली आई डोंट नीड टू राइट अगेन एंड अगेन कि सी इक्वल्स टू ये है, एफ इक्वल्स टू ये है, तो इसको प्रिंट कर दो सो एंड सो। आई हैव सिंपली मेड अ फंक्शन ओवर हियर, दैट इज सी टू एफ, वेर इन आई डिफाइंड सी। आफ्टर डिफाइनिंग सी आई नो हाउ एफ इज़ कैलकुलेटेड एंड सेम थिंग आई हैव पुट इट ओवर हियर, सो प्रिंट सो एंड सो। एंड इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट करनी है, ठीक है, और उसके लिए मैंने एक एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लिया है। सो आई सिंपली हैव शोन यू दैट हाउ ए फंक्शन कैन बी यूज्ड रेपिटेटिवली एंड विदाउट राइटिंग मोर एंड मोर कोड्स, यू कैन यूज़ इट एनीवेयर। ऑलराइट, सिमिलरली अगर इफ़ यू वांट टू मेक लेट्स से यू वांट टू मेक मल्टीप्लिकेशन, सो मल मैं ले लूँगा और मैं ले लूँगा दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन का, सो ए कॉमा बी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ए एंड बी को डिफाइन करना पड़ेगा। सो ए इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा इंट ऑफ ए, क्योंकि मुझे इंटीजर लेना है वैल्यू। सिमिलरली बी इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा इंट ऑफ बी, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसका प्रोडक्ट मैं लिखूंगा प्रॉड इक्वल्स टू ए इंटू बी, ठीक है, एंड देन ए इंटू बी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मुझे थोड़ा एक और बार इधर करना पड़ेगा यार, ठीक है। नाउ प्रॉड इक्वल्स टू ए एंड बी हो गया, तो अभी मैं लिखूँगा प्रिंट
अगेन एफ स्ट्रिंग आई यूज एंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स नंबर्स आर, और यहाँ पे ये ब्रैकेट लिख के यहाँ लिख दो प्रॉड, सिंपल। ठीक है, नाउ एक मेरे को मल्टीप्लिकेशन का एक मैंने एक फार्मूला बना लिया, एक फंक्शन बना लिया। अभी मैं कोई भी दो नंबर को आराम से मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। आई विल राइट मल एंड आई विल गिव 3 to 3, 3 to 2 to, एंड और यहाँ देता हूँ 67। ठीक है, ए एंड बी डिफाइन कर दिया हमने, अभी देखना कैसे। अभी आप अगर देखोगे इसमें तो द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स आर सो एंड सो, ये सेल्सियस वाला पहले वाला है, ये वैल्यू इसका है। तो अगर मैं इसको अगर कमेंट आउट कर दूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ उसको, और अभी मैं रन करूँगा तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स आर सो एंड सो। सिमिलरली अगर इसी को मुझे रिपीट करना है, आई विल डू कंट्रोल डी 32, इसके जगह पे 6 7 8 ये लिख देता हूँ, इसके जगह पे मैं 32 लिख 32 ना लिख के 23 33 एंड 607 लिख से मैं लिख देते हैं। अभी देखते हैं कितना आता है। सो आई एम गेटिंग माई प्रोडक्ट ओवर हियर। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग विच यू कैन मेक विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, एंड दैट्स हाउ इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर कोड्स, बिकॉज इट सेव्स यू लॉट ऑफ टाइम एंड सेव्स यू फ्रॉम योर रेपिटेटिव कोडिंग। ओके, दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। दिस इज मैक्स साइनिंग ऑफ।